तो सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे और बाकी जो चीज़ें कटिंग वाली हैं वो भी काट लेंगे, टमाटर और सब्ज़ मिर्च वगैरह। और मैं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो तैयार कर रहा हूँ और मुकल्लफ भाई जो है वो करेंगे कटिंग बाकी चीज़ों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त पतीले में डालें, लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च, प्याज शामिल करेंगे। इसमें जायका नमक, हल्दी पाउडर, दादर मिर्च, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च पिसी हुई, एक छोटा पैकेट कोरमे का मसाला ऐड करेंगे। तो उसने भी कुछ पानी छोड़ना है। तो हमने बनाना भी ग्रेवी वाला गोश्त है तो इसलिए तकरीबन दो प्याले जो हैं वो हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 22 मिनट हो गए हैं इसे ऊपर रखे हुए, अभी चेक कर लेते हैं। खुशबू जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आ रही है मज़े की। अभी तकरीबन 10 मिनट इसको हम और लगाएंगे और अभी इसमें हमने घी या ऑयल वगैरह बिल्कुल शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन ये देखें चिकनाई जो कि गोश्त में होती है वो थोड़ी थोड़ी हमें नज़र आ रही है। अभी तकरीबन 10 मिनट इसको हम मज़ीद पकाएँगे और उसके बाद इसको दोबारा चेक करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधा घंटा जो है वो हो गया। अभी इसमें हमने चम्मच चलाना पहले नहीं चलाया, ना ही चलाना पहले, अभी तमाम चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। टमाटर प्याज वगैरह तमाम चीज़ें जो है वो नरम हो चुकी हुई हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हल करेंगे माशाल्लाह से। तो गोश्त चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी गल गया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी गल गया हुआ है, ये देखें। तो इसकी हमने ग्रेवी बनानी है, बिल्कुल थोड़ी पतली ग्रेवी बनाएंगे और शोरबा ज़्यादा हमने नहीं बनाना, तो उसी हिसाब से इसको हमने पकाना है। अभी ढक्कन हटा के इसको पकाएंगे और पानी जो इसके अंदर है इसको थोड़ा सा खुश्क होने देंगे। तो पानी जो हमने डाला था उसने अपना काम कर दिया है, गोश्त हमारा अल्हम्दुलिल्लाह गल गया बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अभी इसको थोड़ी देर वैसे ही, आग जो है वो अब हमने मीडियम कर लेनी है और थोड़ा सा इसको ऐसे पकाएंगे ताकि जो रहती सहती कसर है वो भी निकल जाए और थोड़ा इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल ग्रेवी रखी है इसकी हमने, तो आग जो है वो बिल्कुल हल्की कर दी हुई है। तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल डालना है, चिकनाई चूँकि पहले ही होती है गोश्त में, ज़्यादा नहीं, कुकिंग ऑयल थोड़ा सा हमने डाला। तो अभी इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ना मीडियम आँच में भूनेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल में 5 से 7 मिनट के लिए, आग तेज़ नहीं हमने करनी।
तो ये बिल्कुल तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कुकिंग ऑयल डालने के बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको हमने भूना और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया। अभी पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा और सब्ज़ धनिया, बिस्मिल्लाह एक दफ़ा हिला देंगे। और ये जो चीज़ हम तैयार करना चाह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गई है तैयार। तो अभी नीचे उतार लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है रेसिपी हमारी। और मेहमान जो है वो घर पे हैं, मेहमानों की जो वैसे एक दावत मैंने करनी है घर की खुशी में, लेकिन वो अभी नहीं कि ये कज़न वगैरह आए हुए हैं तो उनके लिए जस्ट प्लानिंग नहीं थी कोई भी, वैसे ही प्रोग्राम बन गया। अभी घर चलते हैं और क्योंकि बाकी चीज़ें सारी घर में हैं तो घर चल के सर्व करते हैं मेहमानों को। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली जो है वो बैठ गई है और अभी खाना जो है वो शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you.